रात के 2:30 बज रहे थे, मैं अपने YouTube चैनल की ग्रोथ के साथ साथ अपने देश की ग्रोथ भी देख रहा था। मोदी जी ने काफी अच्छा हिसाब किताब करा दिया है, नहीं फाइनली अच्छे दिन आ ही गए हैं। यकीन नहीं होता ना, खुद ही देख लो। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हेलो, नमस्कार, हिंदी गेमिंग जोन बोल रहा है। अबे कौन है, इतनी रात को सोने जा रहा हूँ मैं। हिंदी जी बोल रहे हैं? हाँ। नमस्कार हिंदी जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? मैं देखिए जो है। अरे अमित जी, हेलो हेलो अमित जी, हेलो अमित जी, मैं सोने वोने नहीं जा रहा था। अरे मैं कहाँ सोता हूँ, अरे मैं तो चमगादड़ हूँ यार, मैं तो सोता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ, मैं नहीं सोता। वो था, ये सोने वाने का काम मेरा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे सामने जो है हॉट सीट कैरी मिनाडी, मैं देखिए और अजय नागर बैठे हुए हैं। हॉट सीट पे बैठने से इनके जो है चूतड़ बहुत खतरनाक तरीके से मैं देखिए जल गए। अजय ने 10 रुपए जीत लिए हैं और एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें देखिए आपकी जो है मदद की जरूरत है। तो देखिए भाई साहब ऐसा है कि अगर इस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया तो वो आज यहाँ से 15 रुपए लेकर जाएंगे। हम मैं देखिए जो है इतने रुपए लेकर यहाँ से कोई नहीं गया। अमित जी बकवास मत पेलिए, सवाल पूछिए क्या है। भाग लिए बस अजय नागर जी की ओर। और देखिए जो है अजय जी का जो सवाल है वो है कि तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी करिए, टाइम निकला जा रहा है। मैं देखिए जो है इनके पास बहुत ही सीमित समय है, जल्दी कर दीजिए भाई साहब। देखिए अबे तेरे टाइम की भैंस की पूंछ में जा रहा हूँ। इस कॉल के बाद मैंने देखा कि साला ये कैरी मिनाटी है कौन। देखो क्या लिखा है इसने चैनल पे अपने, क्लिक कर। अबे तमीज दिया तुझे बात करने की, अपने बाप से ऐसे ही बात करता है क्या? तेरा बाप आके चैनल खोलेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि उस राज इतना बड़ा पाप भी नहीं किया था मैंने, इतना बड़ा पाप भी नहीं किया था जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है। खैर वो सब छोड़ो, नीचे स्क्रॉल करते हैं। बोरिंग, ये फकिंग बोरिंग, ये फ्रीकिंग बोरिंग, ये मदर फकिंग बोरिंग। क्या एवरीथिंग रॉन्ग विद इंडियन स्कूल्स? अबे इंडियन स्कूल्स में गलती निकालने वाले टट्टू, तू कौन सा ITJEE क्लियर करके बैठा हुआ है? मेरे पास तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, सही में आखिरकार YouTube ने मेरी पिछली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अबे एज रिस्ट्रिक्टेड है वीडियो तो उसमें एज रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तो क्या वेट रिस्ट्रिक्शन लगाए? जब कोई वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट होती है तो उसका मतलब है ना वो वीडियो पैसे कमाएगी ना उस पे व्यूज आएंगे। पैसे नहीं कमाएगी, पैसे नहीं कमाएगी, पैसा पैसा पैसा। कितना भूखा है यार तू पैसे का, मतलब पैसों का तू इतना भूखा है यार। यूट्यूब नहीं हो गया, कोई दिहाड़ी मजदूरी हो गया? पैसे नहीं कमाएगी, इज्जत नहीं कमाएगी, दौलत नहीं कमाएगी। हाँ यार, अबे कैरी मिनाटी थूकी हुई मुलैठी, कोई वीडियोस बनाना तो कम से कम उसमें लॉजिक होना चाहिए, समझा? वरना ना तेरा ब्लू स्नोबॉल तोड़ के ना तुझे चड्डी की जगह पहना दूंगा। एक वीडियो में तो इसने नेशनल एंथम की भी मजाक उड़ाई है। मतलब जिस देश में रह रहे हो तुम उसकी मजाक उड़ाओगे क्या? जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर दोगे? राहुल गांधी से कुछ सीख। अबे कुछ सीख राहुल गांधी से तू। एक बार रेडियो लेके खेतों में हंगने के लिए गया था, रेडियो में नेशनल एंथम आया तो भाई खड़ा हो गया, वो खड़े होके हक के आया लेकिन नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उसने। इसे कहते हैं अच्छा देशभक्त। कुछ सीख इन लोगों से तू। ये देखो इस टट्टू को, उसने क्या बोला अपनी वीडियो में, क्या बोला है इस टट्टू ने अपनी वीडियो में, सुनो। ना तो मैं गाली दूंगा और ना ही मैं चिल्लाऊंगा। इतनी गालियां। उसके पास ना हार्वर्ड से गाली देने की डिग्री है, गाली बकने में ग्रेजुएशन कर रखी है इसने, और गोल्ड मेडलिस्ट है वहां से। अबे मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट है ये वहां से। इसकी गालियां बकना ना तो किसी के बाप की भी बस की बात नहीं है। मतलब अगर यूट्यूब पे गाली का काउंटर होता तो इतने जीरोस होते कि स्क्रीन कम पड़ जाती, लेकिन इतने जीरोस डिस्प्ले कभी नहीं हो पाते। अभी कंप्यूटर साइंस इतना आगे नहीं पहुंचा किसकी गालियों के काउंट जितने जीरोस डिस्प्ले कर दे। ना ना ना, इतना अभी औकात का है यार यूट्यूब। ना तो मैं गाली दूंगा और ना ही मैं चिल्लाऊंगा। हाँ यही बोल के हर नए वीडियो में ये 10 to the power जितनी गालियां इसने पुराने वीडियो में बकी होती है उतनी गालियां बकता है। एक नंबर का पाखंडी है तू कैरी मिनाटी, एक नंबर का पाखंडी। नहीं है तो वही बात हो गई, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर पूछ लेना मेरा, या फिर मुझे कॉल करके मेरा नंबर याद से ले लेना। नहीं भूलना मत, मुझे कॉल करना और मेरा नंबर ले लेना याद से। हाँ नहीं तो इससे बढ़िया है कि मैं ये वाली गेम खेल लूं। और तेरी वीडियोस देखने से अच्छा मैं ये वाली वीडियोस देख लूं। हेलो दोस्तों,
आज मैं फिल्म नहीं तो उन लोगों में से है जिनसे अगर पूछो ना कि फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट क्या है तो बोलते हैं एमएस धोनी। अबे लीफी की नकल करने वाले जानवर। अबे लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। लीफी की लेवल अलग है, तू एक टट्टू और एक गवार है समझा। अपना एक्सेंट देख, लीफी का एक्सेंट देख जाके, और उसके बाद औकात जब हो जाए ना उतनी तब जाके कॉपी करना समझा। नहीं गेम प्ले पे कॉमेंट्री दे रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन लीफी फेस कैम कर रहा है उसे दिन तुझको फेस कैम करने की क्या जरूरत है यार। और भी बचे हैं दिन तेरी जिंदगी में, कल परसों या कभी और कर लेना, उसे दिन फेस कैम करने की क्या जरूरत है। तेरे Q&A में जो तूने शक्ल लगाई हुई है ना वो मर्डर की मल्लिका शरावत से कम नहीं है। अरे अरे एक मिनट ब्लर करो उसको, ब्लर करो वरना मेरा वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अबे एज रिस्ट्रिक्ट क्या, रिमूव ही हो जाएगा, वो भी वर्ल्ड वाइड। अबे वो टट्टू अपने वीडियो से देश की जनता को संस्कारी मत बना, क्योंकि अगर मैंने तुझे संस्कारी बनाना स्टार्ट कर दिया ना फिर निर्मल बाबा के साथ कोलैब करके भजन सबलोड करना स्टार्ट कर देगा तू, समझा। समझ में आई तेरी। अबे तेरे वीडियोस कोई KRK की मूवी रिव्यूज से कम नहीं है। ओप्स शिट यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। मैं अपनी वाली KRK वाली बात वापस लेता हूँ। कैरी प्लीज पुलिस केस मत करना यार, सॉरी यार। जो भी हो लेकिन तुझसे बड़ा लूजर ना ना ही तो मैंने इस दुनिया में कभी देखा है और ना ही कभी इस दुनिया में पैदा होगा। तेरे बारे में तो तेरा हमनाम जिम कैरी भी यही कहता है। आखिरकार भीम नरूला ने इसके अंदर का करेज द कॉर्डी डॉग बाहर निकाल ही दिया। कल रात को मुझे YouTube से एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बैन हो जाएगा, यानी अगले वेडनेसडे तक खत्म। प्लीज वो क्लेम वापस ले ले वरना 7 दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। 2 साल की मेहनत ऐसे क्या म्यूजिक है यार, इतना अच्छा राग, इतने अच्छे सुर, वाह 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 वाह। अपने मोहित को बोल और इसकी MP3 बनवा जल्दी मेरे लिए, मेरे को सुनना है। अबे बोल जल्दी। और इनके दोस्तों की तो बिल्कुल मिसाल ही नहीं है कोई। नजर टट्टू, क्या हुआ यही तो नाम है चैनल का। नजर बट्टू कह रहे थे 100K जैसे ही होगा वैसे ही अपना एंथम सॉन्ग निकालेंगे। अबे पब्लिक एक बार बेवकूफ बनती है, अब तुम कोई बात बोलोगे ना कोई विश्वास नहीं करेगा। पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या, जब 1,15,000 हुए तब जाके एंथम निकाला इन लोगों ने। ये रिफ्लेक्ट करती है तुम्हारी घटिया सोच। 100K पे एंथम निकालेंगे, 100K पे एंथम निकालेंगे। अबे गाना बना रहे हो या कोई प्लेनेट बना रहे हो, इतना टाइम लगता है क्या। अरे कहीं गवार 100 मिलियन तो नहीं समझ बैठे 100K को। नहीं इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है ये 100 मिलियन समझ बैठे 100K। बहुत हो गया, इतना तो कोई नहीं करता। मैं माँ से नजर बट्टू की शिकायत करूंगा। माँ नजर बट्टू का गाना बहुत लेट आया माँ। निशा इतना प्यार तो मैं तुमसे भी नहीं करता जितनी नफरत मैं ही नजर बट्टू से करता हूँ। पाप मिलेगा इसको, बहुत पाप मिलेगा, और इसके दोस्त कैरी मिनाडी को उसे भी ज्यादा पाप मिलेगा। जादू इनको शराब दो, इनको शराब दे रहा जादू। और जब किसी ने इसको प्यूडीपाई स्टाइल में रोस्ट किया ना तो इसने क्या बोला देखो, अपने फेस कैम वीडियो में क्या बोला इसने। और ऐसे ये दीवार से चिपकने की क्या जरूरत थी, स्कूल में बैठा है तू, पनिशमेंट मिली है तुझे कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना है तुझे। इस इडियट को ये भी नहीं पता कि ये प्यूडीपाई का स्टाइल है, और इसे बोला है कि इंटरनेट पे मैं सारे वीडियोस देखता रहता हूँ। एक मिनट, तू एक गंवार है, ऐसे प्यूडीपाई तो तुझे समझ में आता नहीं होगा क्योंकि वो तो इंग्लिश चैनल है। गॉट इट, तो तू हिंदी भोजपुरी और राजस्थानी के सारे चैनल देखता है, समझ गया मैं। गुड 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 गोइंग। इसको कोई मेरा सकिंग द फकिंग प्यूडीपाई वाला वीडियो दिखाओ यार, और तुम लोग भी जाके देखो, जल्दी जाके देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके देखो। कतल वीडियो है, एकदम कतल। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यार, कर क्या रहा हूँ, इसका तो रोस्ट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। अबे अजय नागर तू जा खेतों में जा और जाके वहीं पर हग। YouTube पे हगोड़ों का कोई काम नहीं है, समझा ना, हगोड़ों का YouTube में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हगोड़ों का, निकल जाए यहाँ से। बहुत ज्यादा रोस्ट कर दिया मैंने, कहीं जलवल ना गया हो वरना रोस्टेड चिकन बिकना बंद हो जाएगा और कैरी मिनाटी रोस्ट बिकना चालू हो जाएगा। तुम लोगों को मैं बता दूं, मैं खुद कैरी मिनाटी का एक बहुत बड़ा फैन हूं और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था। मुझे नहीं पता कैरी मिनाटी ये वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन अगर वो देखे भी तो वो तो समझता ही है यार, वो तो इन भावनाओं को समझता ही है, बिल्कुल मजाक है ये। उससे तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है, मजाक है, खुद ही अपने आप समझ जाएगा वो वीडियो देखते ही।
और तुम लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं पर्सनली इंडियन यूट्यूबर्स की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और इसलिए मुझे पता है तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आया। ठोक दो बस वो लाइक बटन, और बिना औजार के तुमको ठुकाई का मौका कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बिना औजार के ठोक दो सब्सक्राइब बटन। अरे क्या चल रहा है भाई, ठोको ना सब्सक्राइब बटन। भाई मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ठोको सब्सक्राइब यार, क्या चल रहा है यार ये। गुड गुड, बहुत अच्छा किया तुमने सब्सक्राइब बटन ठोक के। अपनी उंगलियों को इसी तरह एक्टिव रखो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Are you listening? Damn. Yeah.